दोस्तों मेरे हाथ में कुछ पोस्ट कार्ड हैं। आज के टाइम में जब संचार के इतने साधन हैं उस टाइम में पोस्ट कार्ड कोई भी यूज़ नहीं करता है, लेकिन मेरे हाथ में जो पोस्ट कार्ड है इनमें कुछ खास है। ये जो पोस्ट कार्ड है इसमें ये पोस्ट कार्ड है श्रीमान परशुराम मोरदिया दोध विधायक के नाम, दूसरा एक पोस्ट कार्ड है मुख्यमंत्री महोदय के नाम, और तीसरा पोस्ट कार्ड है हमारे राजस्थान के चिकित्सा मंत्री श्रीमान प्रसादी लाल मीणा के नाम। श्रीमान प्रसादी लाल मीणा चिकित्सा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के पास में अलग और भी काम है, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ परशुराम मोरदिया के नाम जो पोस्ट कार्ड है उनसे मैं थोड़ी सी इस बारे में बात भी करना चाहता हूँ। ये पोस्ट कार्ड लिखा है हर्ष में रहने वाले गांव के कुछ युवाओं ने, ऐसे इन्होंने करीब 10,000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड लिखे हैं और ये मुख्यमंत्री, विधायक और स्वास्थ्य मंत्री को भेजे हैं। इसमें ये मांग कर रहे हैं कि हर्ष में जल्दी से जल्दी PHC खोला जाए, और ये मांग इनकी नई नहीं है, काफ़ी पुरानी मांग है। इन्होंने धोध के विधायक से संपर्क करने के हर एक प्रयास किए हैं, लेकिन आखिर में इन्हें मजबूर होकर ये पोस्ट कार्ड लिखने पड़ रहे हैं। अब हमारे लिए तो बड़े शर्म की बात ये है कि एक विधायक जिसे होना चाहिए जनता के बीच में, क्योंकि वो जन प्रतिनिधि हैं, उन्हें जन सुनवाई करनी चाहिए, लोगों के बीच में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन आपको उनके पास पहुंचने के लिए ये पोस्ट कार्ड लिखने पड़ रहे हैं। आप उन्हें फ़ोन नहीं कर सकते, उनके घर नहीं जा सकते, आप उनसे किसी भी प्रकार से अपनी मांग नहीं उठा सकते। चलिए पहले गांव के जो युवा हैं उनसे सुन लेते हैं कि ये पोस्ट कार्ड उन्हें क्यों लिखने पड़ रहे हैं और उनका ये अभियान कैसे चल रहा है और उन्होंने इस PHC के लिए और कितनी कोशिश की है। हम लोगों की ये 3-4 साल से लंबित मांग है। अब हम लोग ये चाह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए, बहुत संघर्ष कर लिए हमने, इसके समर्थन में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन भी दिए हैं, यहाँ जो है सिग्नेचर अभियान भी चलाया, हस्ताक्षर अभियान भी, और जो रक्तदान शिविर है वो भी इसके समर्थन में लगाया कि कैसे भी जागरूकता आए और हमारी मांग है वो सरकार तक पहुँचे। और हमारे देश विदेश प्रदेश जो रहने वाले हमारे जो साथी हैं उन लोगों ने भी बहुत हमें सपोर्ट किया है, वहाँ से बहुत मैसेज आते रहते हैं कि आप लोग जो संघर्ष कर रहे हो वो बहुत जायज़ है, और हम लोग भमासा के रूप में हम लोग तैयार हैं। जब भी PSC स्वीकृत होती है, सरकार स्वीकृत करती है, तो हमारे यहाँ इटली से राजकुमार जी हैं और यहाँ के जो स्थानीय कई भमासा हैं उन्होंने भी खूब डोनेशन देने की बात कही है, पर सरकार को भी अब सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए। हमारा एक करबद्ध निवेदन है कि यहाँ जल्द PSC खुले। हमने बहुत दिनों से ये PSC के लिए, काफ़ी दिन से मेरे गांव वाले सब, आसपास के गांव सब बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और हमने ये अभी जो पोस्ट कार्ड का ये अभियान चला रखा है बहुत दिनों से चला रखा है, और इसमें भी हमने बहुत मेहनत की है, सभी गाँव वालों ने, सभी मतलब जो भी युवा ब्रिगेड सब ने मिलकर बहुत मेहनत की है, और हमने वहाँ से भी ये PSC के लिए जो पोस्ट कार्ड अभियान है, जो मैं सोल्जर हूँ वहाँ पे जो डिटेल हूँ, वहाँ जिस जगह पे मैं अभी पोस्टेड हूँ वहाँ से भी हमने ऐसे बहुत से पोस्ट कार्ड लिखवाए और इस PSC के लिए काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। तो सरकार कोई भी हो, हमें तो बस PSC चाहिए, हमारे गाँव के लिए बहुत ज़रूरी है। हरस की जो PSC की जो मांग चल रही है उस मांग के थ्रू हम ये गांव में ये PSC सेंटर खुलवाना चाहते हैं। तो PSC यहाँ के आमजन की जो मांग है उस मांग की ओर सरकार ने बहुत दिनों से ध्यान नहीं दिया है, यह पिछले 3-4 सालों से जो मांग चल रही है, और कोविड महामारी में जो लगातार ये मांग बुलंद हुई है कि हरस में एक PSC सेंटर होना चाहिए, लेकिन उस मांग की ओर सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कि आगामी बजट में हरस में PSC सेंटर खोलने की जो सरकार एक वो करे, जिससे क्या स्थानीय लोगों को और यहाँ पर जो पर्यटन स्थल पर जो आने वाले लोगों को राहत प्रदान हो सके, और PSC सेंटर जल्द से जल्द इसी बजट सेशन में हम चाहते हैं कि अभी PSC की जो मांग है उस मांग पर सुनवाई हो और PSC सेंटर खोलने की घोषणा हो। हर्ष के युवाओं से ये तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि यहाँ पर PHC की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, एक गांव कम से कम PHC की मांग तो कर ही सकता है। कोरोना के दौर में हमने देखा कि लोग शहरों की तरफ भागे इलाज के लिए, लेकिन हमें ये भी पता लगा कि शहरों में जो चिकित्सा की व्यवस्थाएँ हैं वो इतनी अच्छी नहीं हैं कि वहाँ पर गाँव के लोगों को, पूरे शहर को सुविधाएँ दी जा सकें। तो ऐसे में ज़रूरी है कि गाँव में चिकित्सा को सुदृढ़ बनाया जा सके।
लेकिन कोरोना की दो वेव आने के बावजूद भी सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और तीसरी वेव आने को तैयार है। ऐसे में जरूरी है सिर्फ हर से नहीं आसपास में जहां पर भी जरूरत हो वहां पर पीएचसी सीएचसी बनाए जाएं और चिकित्सा व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि भविष्य में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो गांव के लोगों को शहर की तरफ ना भागना पड़े और उस प्रकार की अफरा तफरी का हमें सामना ना करना पड़े। साथ ही एक बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने भी है कि अगर आपका विधायक अच्छा होता है, प्रभाव रखता है और लोगों के बीच में जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल धोद के पास ही विधानसभा क्षेत्र है लक्ष्मणगढ़, वहाँ के विधायक ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और जब कोरोना का कहर था तो वो लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने वहाँ पर चिकित्सा व्यवस्थाएं भी सुधारी और कई जगह पे उन्होंने तत्काल प्रभाव से पीएचसी भी बनवाए। लेकिन धोद के विधायक बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, इसका सीधा सीधा नुकसान पूरी धोद की जनता को उठाना पड़ रहा है। उम्मीद है कि अगली बार जब चुनाव आएंगे तो आप अपने विधायक से, जो विधायक के प्रतिनिधि हैं, उनसे ये सवाल पूछेंगे कि जीतने के बाद क्या हमें आपसे मिलने के लिए पोस्ट कार्ड लिखने पड़ेंगे या आप हमसे आकर मिलेंगे। और अगर आपसे मिलने के लिए हमें पोस्ट कार्ड लिखने पड़ेंगे तो फिर ऐसे विधायक की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपको वोट नहीं करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद।